फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिना और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेजी व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ये यमी यमी से डोमिनो स्टाइल पनीर जिंगी पार्सल। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी और उसमें डाल दिया है मैंने एक चम्मच चीनी और उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब चीनी पानी में घुल जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए। एक नीडिंग प्लेट में मैंने लिया है एक कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप एक नॉर्मल लहसुन की कली लेके उसे कस के इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ईस्ट का मिक्सचर और अब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। हमें हाथों का जोर देते हुए आटा गूंदना है 2 से 3 मिनट के लिए। दो से तीन मिनट के बाद हमारा आटा जब इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल। यहाँ आप बटर यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इस आटे को 4 से 5 मिनट के लिए हाथों का जोर देते हुए गूंथ लेंगे। शुरू में ये आटा थोड़ा चिपकेगा पर आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत डालिएगा यहाँ पे, ना मैदा ना कुछ और आटा गूंथते रहिएगा। थोड़ी देर बाद ये अपने आप चिपकना बंद हो जाएगा। देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ये चिपकना बंद हो चुका है। अब मैं एक पैन इसी प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा के इसको रख दूंगी ढक के साइड में 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए। अब हम बनाते हैं हरीसा पेस्ट। इसके लिए मैंने लिए है 8 से 10 लाल मिर्चे जिनको मैंने गर्म पानी में 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। उसके साथ 4 लहसुन की कली, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा धनिया के पत्ते और थोड़ा सा ही हमने डाला है नींबू का रस। उसके साथ थोड़ा ऑलिव ऑयल लेंगे हम। स्वाद अनुसार हम इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्सी में पीस लेंगे और हमारा हरीसा पेस्ट बनके तैयार है। इसमें अब हम डाल देंगे हमारा नॉर्मल एगलेस मेयोनीज और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा हरीसा मेयोनीज बनके तैयार है। एक पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और उसी के साथ थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के बटर को मेल्ट होने तक के लिए इन सारे मसालों को भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए पनीर के टुकड़े और उन्हें भी हम इस मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। इससे हमारे पनीर में एक थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा और पनीर थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हम फ्लेम बंद करके इन मसाले के साथ पनीर को ठंडा होने देंगे। एक तरफ देखिए, अब हमारा 1 घंटे बाद आटा जो है वो फूल के डबल हो चुका है। तो अब हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए गूंथ लेंगे और फिर इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 1 कप मैदे से आप 4 जिंगी पार्सल बना सकते हैं। अब एक टुकड़ा लेंगे, थोड़ा सा नीचे मकई का आटा स्प्रिंकल करेंगे और हम इस तरह से हाथों की मदद से या फिर एक बेलन की सहायता से एक राउंड रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप सूजी भी यूज कर सकते हैं या चाहे तो थोड़ा सा नॉर्मल मैदा डाल के भी इसको बेल सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके एक ट्रायंगल शेप दे दूंगी। इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा और फिर तीनों कोनों पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। बीच में थोड़ा सा हमने तैयार किया हुआ हरीसा मेयोनीज डालेंगे और बारीक कटे हुए पनीर के टुकड़े डाल के हम इसे इस तरह से साथ में जोड़ लेंगे। आपको थोड़ा अच्छे से इसे सील करना है ताकि बेक होने के टाइम भी खुले ना। अब इन सबको हम एक बार बटर से ब्रश कर लेंगे और फिर 250 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। देखिए बेक होने के बाद कितना प्रॉपर ब्राउन कलर आया है ना। अब एक बार हम फिर इसके ऊपर बटर ब्रश कर लेते हैं और हमारे यमी यमी से पनीर जिंगी पार्सल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।